रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। इसकी पहली डेफिनेशन है रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की। नॉर्मल रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी होती है वेट ऑफ बॉडी इन एयर, हवा में वेट, डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट, हवा में वेट अपॉन लॉस इन वेट इन अ लिक्विड। नहीं, रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट में लिक्विड हमेशा क्या माना जाता है? वाटर ही माना जाता है। कोई ऑयल मत लेना, कोई और लिक्विड नहीं लेना। जब रिलेटिव डेंसिटी वर्ड यूज करना है तो वाटर लेना है। ये पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है वेट इन एयर और लॉस इन वेट का दूसरा नाम क्या है? अप थ्रस्ट। और तीसरी, एयर में वेट कितना है बॉडी का? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। और अप थ्रस्ट में डेंसिटी किसकी यूज करनी है? वाटर की। मैंने बताया था अप थ्रस्ट या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एक ही बात है, तो डेंसिटी किसकी यूज करनी है? वाटर की। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए ना आए ये पक्का आएगा। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको हाईलाइट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है यहां तक? आपको न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे, वो कहेगा कि रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी की 4 है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट्स नहीं होते, डेंसिटी बाय डेंसिटी कैंसिल। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी की 4 है, डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालो। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं। रिलेटिव डेंसिटी 4 है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और पानी की डेंसिटी अगर आप SI में पुट करो तो 1000 है, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी SI में आ जाएगी। पर अगर आप इसमें पानी की डेंसिटी CGS में पुट करो 1, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी 4 आ जाएगी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी से बॉडी की डेंसिटी कैसे निकलती है, ये बात सबको समझ में आ रही है? तो रिलेटिव डेंसिटी को अगर पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो बॉडी की डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? डेफिनेशन क्लियर है कैसे यूज करना है इसे?